हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि टैली में कंपनी बनाते वक्त हम पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। दो प्रकार के पासवर्ड होते हैं, तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हम टैली को। देखिए टैली ओपन हो रहा है। कंपनी अगर बनाते हैं सबसे पहले तो इस कंपनी को बंद करना है, तो आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ F2। अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आप पीरियड चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको कंपनी बंद करनी है तो ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कीजिए, तो यहाँ से कंपनी ये बंद हो जाएगी। अब हमें नई कंपनी बनानी है, तो यहाँ से सी प्रेस करेंगे तो नई कंपनी बनाने का फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ राम एंड सन्स के नाम से एक कंपनी बना लेता हूँ मैं। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ, जो भी एड्रेस होगा आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने एड्रेस डाल दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर यहाँ भी, और फिर यहाँ स्टेट चूज करना जरूरी है, यहाँ स्टेट चूज कीजिए आप। एंटर प्रेस करता हूँ, पिन कोड डाल देता हूँ। पिन कोड डालने के बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाऊंगा मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, तो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 अप्रैल 2018 कर देता हूँ और नीचे आऊंगा तो यहाँ पर हमें क्या करना है, काम कब से शुरू हो रहा है, तो 2 अप्रैल से हमारा काम शुरू हो रहा है, 2 अप्रैल 2018 कर देता हूँ यहाँ पे एंटर। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको पासवर्ड लगाना है, यहाँ देखिए टैली वॉल्ट पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वॉल्ट पासवर्ड हम दे सकते हैं, फिर यहाँ पर भी पासवर्ड का ऑप्शन है, तो अभी हम वॉल्ट पासवर्ड के बारे में ही जानेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे वॉल्ट पासवर्ड, जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये डाल दिया हमने पासवर्ड। अब एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे वो पासवर्ड रिपीट करना होगा, तो यहाँ ये हो गया। अब एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे अगर सिक्योरिटी कंट्रोल लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा काम, बहुत ही आसान। एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, तो ये हमारा वॉल्ट पासवर्ड हो गया। अब जब हम यहाँ वॉल्ट पासवर्ड डालेंगे तब ये खुलेगा फॉर्म। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने वॉल्ट पासवर्ड डाला, ये कंपनी तब खुलेगी जब हम वॉल्ट पासवर्ड डालेंगे। तो इस तरीके से हम वॉल्ट पासवर्ड लगा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि सिक्योरिटी कंट्रोल वाला पासवर्ड कैसे लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।